Hi, this is Aarti Chhabria and you are watching Bollywood Nazar. मैं बहुत वक्त के लिए एक अच्छा स्क्रिप्ट ढूंढ रही थी एक शॉर्ट फिल्म के लिए. एक अच्छी कहानी, एक सेंसिटिव, एक डीप कहानी एक छोटे से वक्त में बताना 30 मिनट्स के वक्त में बहुत मुश्किल होता है. फीचर फिल्म 2 घंटे की, ग्रेट, यू हैव मोर टाइम, आप ज़्यादा शूट कर सकते हैं, ज़्यादा फुटेज में आप ज़्यादा समझा सकते हैं ऑडियंसिस को. लेकिन एक कम वक्त में, एक शॉर्ट फिल्म में इतनी डीप सब्जेक्ट, इतना डीप सब्जेक्ट फिट इन करना मुश्किल काम था. और जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिला तो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा हुआ था जिसका टाइटल था काशी करवट द फाइनल हॉल्ट. जो काशी में जो लास्ट करवट होता है मरने के पहले, जो काफ़ी लोग काशी चले जाते हैं मोक्ष पाने के लिए, तो जो काशी करवट होता है उसके ऊपर आर्टिकल था, द फाइनल हॉल्ट, कैसे लोग वाराणसी चले जाते हैं मोक्ष पाने और फिर क्या होता है. एक मुक्ति धाम करके जगह होती है काशी में, इनफैक्ट वो रियली है. और मुक्ति धाम में जो लोग चेक इन होते हैं या जो रहने जाते हैं उन्हें कहा जाता है कि 30 दिन में अगर आप मोक्ष नहीं लिए तो आपको फिर चेकआउट करना पड़ेगा. आपको कहा जाता है कि प्लीज़ लीव. तो इस फिल्म में भी मेरे जो प्रोटैगनिस्ट हैं ये मुक्ति धाम में जाते हैं रहने के लिए और वहाँ पे क्या होता है वाराणसी में, इन शॉर्ट दैट इज़ द स्टोरी. तो ये जो आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया में, काशी करवट द फाइनल हॉल्ट, ये मैंने पढ़ा हुआ था. तो स्क्रिप्ट जब मैंने सुना तो इट ऑल मेड सेंस और मुझे लगा कि इट्स अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट टू यू नो मेक अ शॉर्ट फिल्म ऑन. ओके डायरेक्टर, आप हमेशा से बनना चाहती थी, हाउ दिस हैपेंड, क्योंकि आपने बहुत सी फिल्में देखी हैं एज एन एक्ट्रेस, और डायरेक्शन के बारे में कब आपको एहसास हुआ कि आई वांट टू बी अ डायरेक्टर, जैसे आपने कहा यू वेंट टू न्यूयॉर्क एंड ऑल. आज इज इट डायरेक्टली कैसे हुआ? यस, सो बचपन से मैं कैमरा के साथ, यू नो, मेरा एक बहुत अच्छा नाता रहा है. यू कैन से इट्स बीन अ लव अफेयर सिंस माय चाइल्डहुड विद द कैमरा. चाहे वो मैं एड्स कर रही थी जब से मैं 3 साल की थी, या म्यूज़िक वीडियोस, उसके बाद होस्टिंग टीवी सीरियल्स, छोटे छोटे एपिसोडिक्स, और फिर ब्यूटी पैजेंट, और फिर फिल्में की मैंने. तो हमेशा सेट पे रहकर मैं ऑब्जर्व करती थी डायरेक्टर को, DOP को, सिनेमाटोग्राफर को, लाइटिंग वालों को, यू नो, हर चीज़, प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ऑन सेट. तो ऐसे नहीं कि यू नो मेकअप करके बस वैनिटी में बैठ जाती थी. मुझे हमेशा एक इंटरेस्ट रहा था, लेकिन मुझे वो गट्स नहीं थे कि मैं इतना एक कदम लूँ कि मैं डायरेक्ट करूँ कोई फिल्म. तो 2011-2012 में जब मेरा काम थोड़ा कम हुआ एज एन एक्ट्रेस, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं इसे एक अपॉर्चुनिटी के जैसे लूँ और मैं न्यूयॉर्क चली जाऊँ, एक नए एनवायरनमेंट में एक नई चीज़ सीखकर आ जाऊँ. और ज़िंदगी भर, यू नो, वाइल एक्टिंग एक छाता रहता था, एक मेकअप मैन, यू नो, टचिंग अप माई स्वेट, नो पसीना, नो थकावट, यू नो, मेरे हील्स चेंज हो जाते थे फ्लैट्स में, अगर चलना था सेट पे जाके हील्स पहनती थी. तो न्यूयॉर्क में ऐसा कुछ नहीं था. लिविंग अ स्टूडेंट्स लाइफ, आई वॉज ट्रैवलिंग बाय द मेट्रो, कैरिंग कैमरा इक्विपमेंट, लाइटिंग, आई लर्न हाउ टू एडिट ऑन द फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर, लर्न स्क्रीन राइटिंग, काफ़ी चीज़ें सीखी, और उनके जो टेक्निकल इंट्रिकसीज थी वो भी सीखी. तो वो मुझे काम आ गया. जब जब मैं ये फिल्म बना रही थी, आई डोंट थिंक आई वुड हैव द कॉन्फिडेंस जस्ट बींग ऑन सेट एंड ऑब्जर्विंग द डायरेक्टर्स. एक्चुअली स्टडिंग इन न्यूयॉर्क एंड लर्निंग ओवर देयर गेव मी दैट नॉलेज एंड गेव मी द कॉन्फिडेंस कि हाँ, मैं यू नो शॉर्ट फिल्म बना सकती हूँ. क्योंकि स्कूल में तो काफ़ी म्यूज़िक वीडियोज, शॉर्ट फिल्म, चेकोविंस, काफ़ी स्टोरीज बताएं, काफ़ी यू नो शॉर्ट फिल्म बनाए, और ऐसी भी फिल्म बनाए जिनमें नो डायलॉग था और बस 1 मिनट में विदाउट एनी कट्स, विदाउट एनी डायलॉग एक पूरी कहानी समझानी थी. तो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स में मुझे काफ़ी स्टैंडिंग ओवेशन मिला फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सिटिंग ओवर देयर. कोई स्पेन से, कोई मेक्सिको से, कोई मतलब बहुत अलग अलग यू नो देशों से लोग थे, और काफ़ी अप्रिसिएशन मिला. तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि शायद मैं एक शॉर्ट फिल्म बना सकती हूँ, और अगर वो अप्रिशिएट हो और लोगों को पसंद आए तो मैं आगे फीचर के बारे में सोच सकती हूँ. पहले ही मैं फीचर बनाने के लिए आई वॉज नॉट रेडी. दर्शन जी वॉज माई फर्स्ट चॉइस एंड आई वॉज वेरी लकी कि इस फिल्म में जिनको भी मैंने यू नो टेक्निकल टीम में या इन फ्रंट ऑफ द कैमरा लिया,
फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट पढ़ के लोगों को पसंद आया और उन्होंने हाँ कहा. दर्शन जी को मैंने सिनॉप्सिस भेजे, उनको पसंद आया एंड यू नो इट जस्ट क्लिक्ड और उन्होंने हाँ कह दिया. फिर मैंने रसूल सर से बात की जो कि ऑस्कर अवार्ड विनर हैं और बहुत सारे अवार्ड्स विन कर चुके हैं रसूल पुकटी जी, और उनको भी ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि हाँ मैं साथ दूंगा. तो मुझे यू नो लगा कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट टीम. मेरे DOP इंद्रजीत बंसल जी, मेरे म्यूज़िक जो BGM किया अनुराग सैकिया इज़ ऑल्सो नेशनल अवार्ड विनर, दर्शन जरीवाला इज़ ऑल्सो नेशनल अवार्ड विनर, एंड नॉट टू फॉरगेट वी हैव अ लवली कैलाश खेर सॉन्ग इन द फिल्म कॉल्ड बाबा जी निहारे, और आई रियली थैंक कैलाश जी फॉर यू नो गिविंग मी दिस सॉन्ग फॉर द फिल्म बिकॉज इट वॉज परफेक्ट एंड इज़ द हाईलाइट ऑफ द फिल्म. अगर मेरा करियर बहुत अच्छा जा रहा था और मुझे उस टाइप की फिल्में मिल रही थी तो मैं शायद न्यूयॉर्क नहीं जाती फिल्म मेकिंग सीखने के लिए. एक छोटा सा लो आया था जिस टाइम पे मुझे उस टाइप के ऑफर्स, फिल्मों के उस टाइप के ऑफर्स आ रहे थे जो मैं करना नहीं चाहती थी, और जो मैं चाहती थी वो मुझे ऑफ़र नहीं हो रहे थे. तो मैंने हमेशा ज़िंदगी में मेरे जो नेगेटिव्स या जो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है उसको पॉजिटिव में कैटापल्ट करने की कोशिश की है, और सेम इसी सिचुएशन में, इस सिचुएशन में भी मैंने वही किया. मैंने एक F1 के लिए अप्लाई किया, स्टूडेंट वीज़ा पे मैं चली गई. आई वॉज़ देयर फॉर अबाउट 3 months. ये कोई एक साल लंबा कोर्स नहीं था, 3 months का था, लेकिन बहुत ही इंटेंसिव था. बिकॉज हम लोग स्कूल शुरू करते थे ऑलमोस्ट 9 o'clock इन द मॉर्निंग टू 6 o'clock इन द इवनिंग, और उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क शुरू होता था. तो जाके शूट करना, लाइटिंग करना, वो सब यू नो ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क इन द मेट्रो, यू नो जहाँ पे मैं रह रही थी, एक दोस्त के घर रह रही थी फॉर 1 month. फिर एक दूसरे महीने में यूनियन स्क्वायर में एक यू नो गेस्ट हाउस में रह रही थी. तो काफ़ी एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखा वहाँ रहकर. आर्टिस्ट सिर्फ फिल्म को डायरेक्ट नहीं कर रहे, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, कोई प्रोड्यूसर मतलब आपको इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट नहीं किया? जी हाँ, शॉर्ट फिल्मों के लिए आजकल कोई फाइनेंस नहीं करना चाहता है. सब लोग कहते हैं कि हाँ स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, मैं करना चाहूँगा, लेकिन फिर जब एक्चुअली टाइम आता है पैसे डालने के लिए तो लोग थोड़े मुकर जाते हैं, सोचने लगते हैं कि रिटर्न्स क्या होंगे. ऑब्वियसली मैं समझती हूँ क्योंकि ये कमर्शियल रिलीज नहीं है तो इस पर टर्नओवर मिलना मुश्किल है, क्योंकि थिएटर में आके लोग टिकट नहीं खरीदेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स विल नॉट गेट एनी मनी. ये शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट फिल्म इज़ मोर कॉन्टेंट फॉर द वेब और नेटफ्लिक्स और यूट्यूब और यू नो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. तो प्रोड्यूसर या फाइनेंसर का होना आई विश होता, लेकिन ये नहीं था. तो मैंने यू नो मेरे इस पर्सनल सेविंग्स में से ये फिल्म प्रोड्यूस की है, और प्रोड्यूस और फाइनेंस करना अलग बात है, लेकिन प्रोडक्शन एग्जीक्यूट की है, और वो ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि मैंने प्रोडक्शन तो पहले किया ही नहीं. मैंने बस ऑर्डर किया है आज मैं सीज़र्स सैलेड खाऊंगी, आज यू नो मुझे ये चाहिए, या मुझे ये होटल में रहना है, मुझे स्वीट रूम चाहिए. लेकिन बींग ऑन द अदर साइड मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आई और थोड़ा दिमाग ठिकाने आया एज एन एक्टर भी, क्योंकि आसान नहीं है, पैसे झाड़ पे नहीं उगते हैं और बहुत मेहनत लगती है फिल्म प्रोड्यूस करने में. ये सारी चीज़ें समझ में आई मुझे जब मैं प्रोड्यूस कर रही थी इस शॉर्ट फिल्म को. फीचर तो बहुत बड़ी बात है. जी मैंने अपने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी के को स्टूडेंट्स को ये फिल्म अभी तक नहीं दिखाई है. ये फिल्म 1 साल के लिए फिल्म फेस्टिवल्स में सर्किट करेगी, और जब फिल्म फेस्टिवल का सर्किट ख़त्म हो जाएगा तब ये मैं रिलीज़ के लिए सोचूंगी, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल्स डोंट एक्सेप्ट फिल्म्स. अगर ये रिलीज़ हो जाती है यूट्यूब पे या कहीं भी लीक हो जाती है तो फिल्म फेस्टिवल्स इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इमिजिएटली रिजेक्ट हो जाएगा. तो ओनली वंस इट फिनिशेस ऑल द फिल्म फेस्टिवल्स दैट आई वांट टू सेंड इट टू, उसके बाद मैं रिलीज़ के बारे में सोचूंगी या मोनेटाइज करने के लिए सोचूंगी. माय फर्स्ट लव इज़ एक्टिंग, और ये जैसे मैंने कहा ये जो लव अफेयर है मेरा और कैमरा का, ये हमेशा
रहे और टूटे नहीं, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है. चाहे ये कैमरा के सामने हो या कैमरा के पीछे हो, मैं नहीं कह सकती, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं. अगर मुझे एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट मिल गया और बहुत अच्छा प्रोड्यूसर मिल गया तो शायद मैं डायरेक्ट करूँगी, और अगर मुझे अच्छी फिल्में ऑफर होती है एज एक्टर, आई एम मोर देन विलिंग एंड मोर देन हैप्पी टू डू दोज काइंड ऑफ रोल्स. क्योंकि आई हैव मैच्योर्ड इन दिस इंडस्ट्री. जब मैंने एंट्री की थी तो मैं हार्डली 18 साल की थी, और अब इतने साल बाद, इट्स ऑलमोस्ट 16 ईयर्स नाउ. 2001 में मेरी पहली पिक्चर रिलीज़ हुई थी, तुमसे अच्छा कौन है, आवारा पागल दीवाना. अब 16 साल बाद आई थिंक आई एम मोर इवॉल्व्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर, एंड यू नो आई थिंक दैट आई कैन पोर्ट्रे मोर मैच्योर एंड मोर सेंसिटिव रोल्स नाउ, बिकॉज आई डोंट थिंक एट दैट एज दैट मैच्योरिटी और सेंसिटिविटी वाज देयर नेचुरली. फिल्म फेस्टिवल्स एक्चुअली विल टेल मी कि मैं कितने पानी में हूँ और कितनी अप्रिशिएट होती है. लेकिन ये बात भी सही है कि फिल्म फेस्टिवल्स आजकल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट एनी वेयर विदाउट हैविंग टू पिच और हैविंग टू लॉबी फॉर योर फिल्म. यू नो यू नीड टू हैव द राइट लिंक्स, क्योंकि एक साइट है withoutabox.com या एक दूसरा साइट है filmfreeway.com. सारी फेस्टिवल्स इन साइट से जुड़ा हुआ है. अगर आप शॉर्ट फिल्म बनाते हैं तो आप भी अपलोड करके सारे फेस्टिवल्स में भेज सकते हो. कोई फेस्टिवल $40, कोई फेस्टिवल £60, यू नो द डिफरेंट प्राइसेस. लेकिन हाउ मेनी ऑफ दीज शॉर्ट फिल्म्स आर एक्चुअली गेटिंग व्यूड इन द फेस्टिवल्स इज द बिगेस्ट क्वेश्चन राइट नाउ. आई डोंट थिंक ऑल फिल्म्स आर गेटिंग देयर ड्यू, एंड आई थिंक दैट इफ माई फिल्म गेट्स व्यूड और गेट्स द राइट अपॉर्चुनिटी विद द फिल्म फेस्टिवल्स अराउंड द वर्ल्ड, I'm sure that people are going to appreciate it. आरती, ऐसे कहा जाता है कि content king होता है, लेकिन अभी आपने तुरंत कहा कि producer support नहीं करते सर की फिल्म को, तो फिर content का मतलब क्या है? मतलब आज भी glamour ढूंढते हैं, item song ढूंढते हैं, comedy ढूंढते हैं फिल्म में लोग, और producers भी इसी तरह की फिल्म को ज़्यादा support करते हैं, आप मानते हैं ये बात को? I don't understand the question. Producers prefer, you know, supporting films which have glamour quotient. Of course, because those are commercial films. Your masses are watching them. This is a short film. Short film is not getting a theatrical release. सो शॉर्ट फिल्म हैज़ टू बी कंटेंट ड्रिवन. वो सारी चीज़ें इंटरनेट पे आ सकती है जो आप सेंसर बोर्ड के थ्रू आप बड़े पर्दे पे नहीं देख पाते हो. तो आजकल लोग कुछ भी अनाप शराब बना रहे हैं. दे थिंक कंटेंट सेल्स ओनली इफ़ इट इज़ सेक्स ड्रिवन, ओनली इफ़ इट इज़ हॉरर ड्रिवन, या वो सारी चीज़ें जो बड़े पर्दे पे सेंसर बोर्ड नहीं दिखाने देती. तो अच्छा, ये तो वेब कंटेंट के लिए परफेक्ट है, इसे हम शॉर्ट फिल्म बना लेते हैं. थैंकफुली मेरी फिल्म ऐसी नहीं है, वो सब चीज़ों पर निर्भर नहीं है. एक्चुअली इसका कंटेंट यू नो एक अच्छी कहानी है, एक एंटरटेनिंग कहानी भी है, और इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो लोगों तक पहुंचेगा, दिल को छुएगा. ओके, किसी एक को डायरेक्ट करना चाहेंगे इंडस्ट्री में तो किसको डायरेक्ट करना चाहेंगे? इवन अ चॉइस, यू नो मैं एक्टर की बात कर रहा हूं, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोया अख्तर, फराह खान, देयर सो मेनी यू नो टैलेंटेड डायरेक्टर्स इन द इंडस्ट्री. किसी एक को अगर असिस्ट करने का मौका मिले, नॉट एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, किसको करना चाहेंगे? Assist करने का मौका, you're asking me for female directors. I think we have so many wonderful female directors and I really admire all of them, be it Farah Khan, be it Zoya Akhtar, be it you know Leena Yadav, be it Reema Kadgi, be it you know Waiting ki jo director hain, you know Baar Baar Dekho, okay the film didn't do well but I love the film, I think it was a great effort. बहुत सारी ऐसे, मीरा नायर, यू नो इवन नंदिता दास, यू नो दी एक्ट्रेस, ऐसी बहुत सारी फिल्म डायरेक्टर्स हैं जिन्हें मैं बहुत एडमायर करती हूँ, और उनकी फिल्में एक बार नहीं बार बार देखती हूँ, क्योंकि मुझे भी समझना है, एडमायर करना है कि उन्होंने कैसे हैंडल किया है हर चीज़ को. आगे हाँ, टू असिस्ट आई वुड लाइक टू, if I had to choose, I would choose Farah Khan, because I'm hardcore commercial. I mean, I love commercial cinema, jo hasaye bhi, jo rulaye bhi, jo romance bhi dikhaye, aur you know jisme sari cheeze ho, masala ho bhar bhar ke. Male female, I think that I've been very lucky working with Akshay Kumar, and I think he's a fabulous actor, aur I really like Salman as well. ये तो स्टार्स की बात हो गई, बट फॉर मी आई आई
आई थिंक दैट इफ आई एवर डू अ फिल्म इट विल बी वेरी इट विल रियली डिपेंड ऑन माई स्क्रिप्ट सो इट वोंट नीड टू बी अ सुपरस्टार इट विल हैव टू बी द राइट कैरेक्टर सो लाइक इवन समवन लाइक एन इरफान खान आई रियली रियली लव एंड एडमायर जी इसमें जो सारी डायलॉग्स हैं विपुल के रावल जी संजीव पुरी जी और मैंने साथ में मिलके हम लोग ने काम किया है जो पहला स्क्रिप्ट था स्टोरी थी स्क्रीन प्ले था विपुल के रावल का था और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ों में यू नो एक क्वेरीज थे जी हाँ कभी कभी ज़िंदगी थाली परोसने के बाद भी निवाला खींच लेती है फिर एक दूसरा डायलॉग है जो है या तो दूसरों के कंधों पर नहीं तो अपने पैरों पर जो कि मुक्तिधाम के लिए है या तो अब दूसरों के कंधों पर निकलो या तो अपने पैरों पर बट इन 30 डेज यू हैव टू लीव मुक्तिधाम पुट इट ऑन साइलेंट ना जी 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 वेल बहुत अफसोस की बात है जो हो चुका है कश्मीर में और हमारे जो जवान मरे हैं और मुझे बहुत 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 अफसोस है मैंने भी काफ़ी दिन के लिए कुछ पोस्ट नहीं किया इंस्टाग्राम पे बिकॉज मैं स्माइली यू नो सेल्फीज़ लेके मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था और बहुत बुरा लगा हम सब फैमिली में वी वर ऑल वेरी सैड आफ्टर हियरिंग अबाउट व्हाट हैपेंड लता जी को मैं विश करना चाहूँगी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे शी इज़ माई फेवरेट लता जी एंड आशा जी आर माई फेवरेट एंड आई रियली होप दैट शी लिव्स लॉन्ग एंड हेल्दी एंड वेरी वेरी हैप्पी थैंक यू एवरीबडी थैंक यू बनारस में मैं गई थी 2014 में रेकी करने और मैं वहाँ पे 20 दिन थी एक फ्रेंड के साथ प्रखर खेमका जो मेरे साथ इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे और ये बनने के पहले वो मेरा साथ नहीं दे पाए लेकिन हमने वहाँ पे साथ में बहुत रिसर्च किया मुक्तिधाम गए हम लोग वहाँ पे जो लोग एलिंग लोग थे जो बीमार लोग थे जो चंद दिनों में जाने वाले थे उनसे बातें की उनके साथ समय बिताया काशी के घाटों पर चले 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 धूप में you know, गंगा में डुबकी ली पूजा किया you know, संतों से मिले छोटे छोटे बच्चे संत जो वहाँ पे गुरुकुल में पढ़ते हैं उनसे मिले हम रिक्शा में ट्रैवल किया you know, रास्तों पे तो पूरा एक्सपीरियंस पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया कि इन सब चीज़ों को मुझे फिल्म के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है और जो हर इंसान वहाँ पर ज्ञानी होता है किसी से भी आप बात कर लो तो अपना ज्ञान झाड़ेगा ही झाड़ेगा 100% और वो बहुत सही ज्ञान होता है कुछ मतलब गलत नहीं होता है बिना पूछे बहुत कुछ बता देते हैं लोग वहाँ पे तो वो एक्चुअली मैं ना अपने फ़ोन पे आईफोन पे लिखने के बजाय मैं साउंड रिकॉर्डर ऑन करके रिकॉर्ड कर लेती थी और वो छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत काम आई जब मैं बाद में इसको you know, ट्वीक कर रही थी डायलॉग्स को या स्क्रीन प्ले को ट्वीक कर रहे थे तो मैं इनको रेफरेंस करके वापस मैंने उसको अपने डायलॉग्स में इनकॉर्पोरेट किया तो इट रियली हेल्प स्पेंडिंग टाइम ओवर देयर और यू नो काफ़ी कुछ सीखने को मिला मरण जन्म मरण और मोक्ष मुक्ति मरने के बाद जो रीति रिवाज होते हैं उनके बारे में सीखा क्यों किए जाते हैं वो सारे क्या आत्मा सच्ची में मरने के बाद कहाँ चली जाती है सिर्फ शरीर मर जाता है आत्मा नहीं ये सब बहुत ही डीप चीज़ें हैं जो मुझे ज़िंदगी में नहीं लगा था कि मुझे जानकारी कभी मिलेगी या जानने की you know, जानने का एक नीड रहेगा तो वो सारी चीज़ें जानी और तब जाके ये फिल्म बनी है थैंक यू या गाइस प्लीज़ कम फॉर लंच